क्वालिटी के अंदर कोई समझौता नहीं कर रहे हैं हम, क्वालिटी आउट क्लास है, बहुत ज़बरदस्त है। ये चीज़ देख लो, फिर ये चीज़ देख लो, ये ऊपर से हो जाता है ओपन और ये है। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? सो गाइस, आज जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ ना, बच्चों की चीज़ें, बच्चों तो आपने ये वीडियो लाजमी देखनी है, क्योंकि आज मैं आपके खिलौने दिखाने वाला हूँ। आज का व्लॉग खिलौनों पे और प्लास्टिक की जो इतनी ज़्यादा वैरायटी आई है उससे बनाने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना बच्चों, अगर आप लोग सपोर्ट करोगे ना तो आइंदा जो है मैं ज़रूर वीडियोस बनाऊंगा बच्चों के खिलौनों पे। तो ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले तो है सलाइम, चाइना मल्टी आ गई है। तो देख लो, ये इतनी ज़्यादा है, ये सिर्फ और सिर्फ 250 में और 200 में और 150 में आपको मिलेंगी। देखो कितनी ज़्यादा है ये सारी, आप इनके साथ मज़े की चीज़ें बना सकते हो। उसके बाद लड़कियों के लिए हेयर बैंड्स आ गई हैं, ओके हो गया। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो इन्हें मज़े की चीज़ें, ये वाले चलते हैं, ठीक है। ये चाबी वाले हैं, जब इनको नीचे कर दो तो फिर ये भागते हैं। फिर ये देख लो, चाइना मट्टी वाली स्लाइम आ गई है, बहुत ज़बरदस्त है। इसमें इतने ज़्यादा कलर हैं बच्चों, देखो। जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं फिर और नई नई मज़े की वीडियोज़ बनाता रहूँ। इनमें और भी चीज़ें हैं, ये देख लो बच्चों, रेजर आ गई हैं, चाइना की हैं, इन्हें मज़े की हैं। तो जल्दी से आ जाओ जिसको भी चाहिए। ये देखो, इसमें ग्लू है, ब्रश है और एक डायरी है और एक पेंसिल है और एक ये क्या है जी, पुट है। तो ये होगा, उसके बाद ये चीज़ देखो। फिर मज़े वाले शॉपनर भी आए हैं यहाँ पे ना। यार ये जो आंटियाँ आ जाती हैं ना, तो बहुत ज़्यादा दलील करती हैं, कोई चीज़ लेती भी नहीं है और निकलवा के भाग जाती हैं। तो अभी उन्होंने लिया था ये वाशरूम वाला सेट और चली गई हैं जी। हम वापसी पे आती हैं, कोई चीज़ देख के आती हैं, हम भी पीढ़ी रहती है, वो हम देख के आते हैं। तो ऐसे आधी से ज़्यादा जो है ना जलील करने वाली होती हैं। तो चलें छोड़ें, हम अपना ब्लॉग बनाते हैं। सो ये शॉपनर है, उसके अलावा बच्चों सौंप आ गया है। देखो कल भी जो है ना, दो तीन लड़कियां ना इसको देख के डर गई, इतना तो है भी नहीं, ये है बड़ा। ऐसे ना अंकल को डरा देता, अंकल अंकल डर गया बच्चों। सो ये देख लो बच्चों, इतनी मज़े की मैं चीज़ें आपको दिखाने लगा हूँ। ओए होए, किधर भाग रही हो? ये देखो पानी वाली गेम आ गई है, ये बच्चों इतनी ज़्यादा आ गई हैं। सो बच्चों ये देखो, ओह तेरी, देखो जल्दी से जिसको भी चाहिए जल्दी से आप लोग मुझे बताओ कि हमें ये चाहिए, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। फिर ये देख लो, इन्हें मज़े की गिरारी वाली गाड़ियाँ, इसके चारों टायर काम करते हैं, 4x4 है ये समझ लो। बच्चों बुलबुले आ गए हैं, बुलबुले। सो जल्दी से आ जाओ जिसको भी चाहिए, ठीक है। ये फिर आ गई स्पाइडरमैन वाली गाड़ियाँ आ गई हैं, इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ आ गई हैं, ये छोटी गाड़ियाँ भी इसमें आ गई हैं। जिसको भी चाहिए जल्दी से आप मुझे बताओ। ये देखो क्यूब आ गया फिर से न्यू स्टाइल में, यार आ जाओ यार मामा। ये देखो ये गेम है, इसको आप घुमाएंगे, इसमें जो है कलर मिलाने पड़ते हैं, जो कलर मिलाएगा वो मैच विन कर जाएगा। सो ये बहुत मुश्किल है, देखने में आपको इजी लग रही है पर ये इजी है नहीं, जब एक दफ़ा इसके कलर मिक्स हो गए तो मिलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा बेटा। तो जल्दी जल्दी से बताओ कौन इसको मिला सकता है और किसको चाहिए। ओ तेरी खैर, इतनी सारी गंदगी, किसका मुँह ऐसे है। तो देख लो ये, जल्दी से जिसको भी चाहिए जल्दी से मुझे बताओ। उसके बाद चुचुम वाली देखो कितनी ज़्यादा आ गई हैं। फिर ये चीज़ देखो आप, ओहो ये निकल जाती हैं, ठीक है बच्चों। जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, डोरेमोन आ गया है। डोरेमोन जलता क्यों नहीं है? जलता है यार, ये जलता है, अभी ये नहीं जल रहा। तो देखो कितने मज़े की ये आ गया है फोन, इतने सारा पुराना है लेकिन ये बच्चों दूध पीने के लिए, जूस पीने के लिए स्ट्रॉ आ गए हैं, ठीक है। तो जल्दी से मुझे बताओ आपको क्या चाहिए। बच्चों आपकी वैरायटी हो गई है फिनिश, अब करते हैं बड़ों की वैरायटी स्टार्ट। सो गाइस, तो बाजियो मेरी हो, देखो मैं आज आपको इतनी मज़े की वैरायटी दिखाने वाला हूँ। एक तो यार प्लास्टिक में ये बहुत ज़्यादा वैरायटी है हमारे पास, बहुत ज़्यादा, जो चीज़ भी चाहिए हो आपको मिलेगी, ठीक है। ये सारे जग वग, ये सारा कुछ, सारी आइटम पड़ी हुई है। तो अभी आपको जो मैं दिखाने वाला हूँ ना, इसको क्या बोलते हैं, ज्वेलरी बॉक्स, ये है जी ज्वेलरी बॉक्स, ठीक है। ये देख लो, इसका आज कर लेते हैं रिव्यू। ये अभी इसको आप रूम के अंदर कॉर्नर में जो है इसको सेट कर सकते हैं, इसको पकड़ना यार कभी गिर ना जाए, ठीक है। ये देखो मैं आपको खोल के दिखा रहा हूँ, ये चीज़ देख लो, इसकी स्पेस देख लो, अंदर से काफ़ी ज़्यादा इसकी स्पेस है। तो ये बहुत मज़े की चीज़ बनी हुई है और ये पीछे दीवार में जो है ना एडजस्ट हो जाएगा, ये सारा आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। इसके अंदर कील वगैरह जो है आपको सेट करनी पड़ेगी और फिर जो है
ये लगा सकते हो आप, ये देख लो कितनी प्यारी चीज़ बनी हुई है। उसके अलावा फिर हम इसका कर लेते हैं, इसका रिव्यू करते हैं। इसको यार निकालना ना, इसके अंदर आप जो पानी वाली कैन होती है ना वो आप कैन सेट कर सकते हो। इसको खोलो यार ज़रा, इसको हम लेते हैं खोल, इसको निकालो बाहर, हो गया जी ओपन। इसको ऊपर रखो ना इसके डब्बे के, ये देख लो जी, ये जो डिस्पेंसर क्या बोलते हैं इसको मुझे नहीं पता। बाकी इसके ऊपर जो है आप कैन फिट करोगे, कैन फिट करके ये आपका चालू हो जाएगा, ठीक है। बहुत मज़े की चीज़ बनी हुई है, देख लो। सो जिसको भी चाहिए जल्दी से आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हो, व्हाट्सएप का नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। और मैं आपको इनमें दिखाने वाला था, बहुत ज़्यादा चीज़ें दिखाने वाला था, कहाँ गई। सो गाइस दूसरा माल्टे वाली मशीन आ गई थी, प्राइस ऊपर लिखी हुई है, कभी आपको या से ज़्यादा बताता है, देख लो 250 रुपये की मिलेगी आपको, तीन है इसमें, ठीक है। ये वाली कस्टमर आ रहे हैं 2-3 दिन से, तो मैंने कहा चलो जी इसको ऊपर भी ठोक देते हैं एक वीडियो। सो ये देख लो, हाथ के साथ निकालने वाली है ये। इसके अलावा और मैं आपको दिखा दूँ प्लास्टिक में, यार वो जग तो दिखा हुसैन, मैं आपको अभी जग दिखाता हूँ। ऑयल जग आया है, न्यू आया, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है वो। बाकी इनमें से आप देख लो, अगर आपको कोई चीज़ पसंद आती है तो ये सारी चीज़ें पड़ी हैं, सारे बाउल सेट वगैरह पड़े हुए हैं, ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं इनमें से, देख लो पूरी दुकान का आपको रिव्यू कर रहा हूँ। ये खोल के दिखा, ओपन कर इसको, ये देखें जी ये अभी ओपन करने लगा इसको। ये वाला जो जग है बहुत ज़बरदस्त चीज़ बनी हुई है, ये ऑयल जग है और प्लास्टिक का है और अनब्रेकेबल है, बहुत मज़े की चीज़ बनी है। आप लोग यूज़ करोगे तो आप लोगों को मज़ा आ जाएगा, चस आ जाएगी चस, ठीक है। तो ये हो गया है ओपन, इसको ओपन कर, ये देखो चैनक की चैनक बनी हुई है, ये देखो हो नीचे गिर गया। तो ये देखो ये हो गया, ये इसका यहाँ से मुंह बना हुआ है, ठीक है। और आप इसमें ऑयल डाल लेते हो तकरीबन इसमें 1.5 किलो ऑयल आएगा, एक पैकेट तो आप इजीली डाल सकते हो, ये देख लो। जिसको भी चाहिए आप लोग मुझे बता सकते हैं। और दूसरा मज़े की बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे पास लंच बॉक्स के अंदर इतनी ज़्यादा वैरायटी आई है, लंच बॉक्स और सारी बच्चों की बोतल स्कूल के लिए, ठीक है। तो ये लंच बॉक्स इसमें जो एक अच्छे वाला है ना वो मैं आपको दिखाता हूँ, ये नॉर्मल है वो, यार अच्छे वाले डब्बे वाले किधर रखे हैं लंच बॉक्स। तो प्लास्टिक में एक और चीज़ आई थी ये वाली, कितने मज़े का है ये चीज़ देखो, ठीक है। ये मैंने आपको कल भी शायद दिखाया कल वाले व्लॉग में, सो ये देख लो खुल जा सिम, ये देखो ये ऐसे है, ठीक है, ये ऐसे बंद हो सकता है। यार वो लंच बॉक्स दिखा हुसैन, तो फिर से हम आ गए हैं बच्चों वाली साइड पे, ठीक है। इसको ओपन करो, ये देखो जी ये इसका है डब्बा, ये इसका डब्बा है। क्वालिटी के अंदर कोई समझौता नहीं कर रहे हम, क्वालिटी आउट क्लास है, बहुत ज़बरदस्त है। ये चीज़ देख लो, फिर ये चीज़ देख लो, ये ऊपर से हो जाता है ओपन, और यह है इसके साथ चम्मच, और यह है इसका ढकना। इसको हम कर लेते हैं यहाँ पे सेट, ठीक हो गया। उसके अलावा फिर बच्चों के आ गए हैं ट्रेनिंग मग, जो बच्चे नया नया स्टार्ट करते हैं पानी शानी पीने के लिए, गर्मी आ रही है तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगी। एक ये फीडर आया जी, न्यू फीडर आया, फीडर देख लो हैंडल वाला, वो इसकी बॉडी बहुत डबल है, अंदर इसके साथ शीशा है, तो बहुत क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। उसके अलावा बच्चों के मग देखो जी, ये देखो बहुत ज़बरदस्त मग बने हुए हैं ये। सो जिसको भी चाहिए आप लोग बता सकते हो। बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो कमेंट लाजमी करना है। स्पाइडर मैन वाले और ये देखो खिलौने वाले इन्ने ज़्यादा मैंने आपको दिखा दिए हैं, तो बच्चों अगर आपको पसंद है तो जल्दी से बताओ कि हमें ये चाहिए, तो मैं आपको भेज दूंगा। टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने, चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो, लाइक ठोको, कमेंट करो और शेयर कर दो, ठीक है, ताकि हम हर रोज ऐसे ही मिलते रहें और बार बार मिलते रहें। तो अभी के लिए इतना ही है, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।